समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से खबर आ रही है, जहां प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को विद्यापति नगर के नए प्रखंड प्रमुख कृष्ण देवी तथा उप प्रमुख राम लखन साह ने अपना पदभार ग्रहण किया। उनके पदभार ग्रहण करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मेहताब अंसारी, पंचायती राज पदाधिकारी, सहकार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार तथा पूर्व प्रमुख राम प्रकाश महंतो ने पुष्प गुच्छ देकर प्रमुख और उप प्रमुख का स्वागत किया। इस मौके पर सभी पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद थे। प्रखंड प्रमुख कृष्णा देवी ने कहा कि जिस प्रकार विद्यापति नगर के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने मुझ पर विश्वास कर मुझे प्रमुख बनाया है, मेरा वादा है कि मैं सभी के विश्वास और सम्मान को कायम रखूंगी, क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। उन्होंने सभी पंचायत समिति सदस्यों तथा आम जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरा एक ही मकसद है कि प्रखंड क्षेत्र में आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम रहे तथा सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचे। समस्तीपुर से रत्नशंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। हम लोग सौहृदय से काम करेंगे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको सम्मान के साथ बोला जाएगा, बताया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा और जनता में काम दिया जाएगा। यही हम लोगों को उद्देश्य है, जनता में काम दिखा, में सारे पदाधिकारी से मिल के प्रेम में ला के, लड़ के झगड़ के नहीं, प्रेम में ला के। कैसा लग रहा है वो प्रमुख के पद पे बैठने? अच्छा लग रहा है। किस तरीके का काम होगा? काम तो सुपर होगा। अगर दोनों में अंतर नहीं हुआ, उस प्रमुख में और इस प्रमुख मंत्र काम में नहीं हुआ तो जनता में क्या हवा आएगा? हैं, जनता में गुल खिलना ना चाहिए। जो उस प्रमुख में इस प्रमुख में अंतर हुआ है, वैसा करके हम लोग दिखलाएंगे। अंतर दिखेगा दोनों जी। क्या नाम है आपका? राम लखन साह। विद्यापति प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने मुझ पर विश्वास कर मुझे प्रमुख बनाया है, मेरा वादा है कि मैं सभी के विश्वास के सामने विश्वास और सम्मान को कायम रखूंगी तथा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। सभी पंचायत समिति सदस्यों तथा आम जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूं। मेरा एक ही मकसद है कि प्रखंड क्षेत्र में आपसी भाईचारा कायम रहे तथा सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है। प्रखंड व अंचल के पदाधिकारी व कर्मी तथा जनप्रतिनिधियों के बीच भी यही संबंध स्थापित कर विकास कार्य को गति देने का काम करूंगी। इसके लिए पदाधिकारी व कर्मी का सहयोग भी अति आवश्यक है।